नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मेरठ की ओर से मवाना में प्रवेश करते ही हमें दाईं ओर एक शिव का भव्य मंदिर दिखाई देता है। पंडित जी आप राम। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को हम दर्शन करा देते हैं। दोस्तों शिव मंदिर के बाहर हमें काफ़ी बड़े TVS हीरो वगैरह के शोरूम देखने मिलते हैं। दोस्तों शिव मंदिर से थोड़ा सा आगे चलकर हम मिल रोड पर आए हैं और यहाँ पर हमें मवाना का काफ़ी पुराना सिनेमा घर जो कपिल सिने के नाम से जाना जाता है हमें ये देखने को मिला है। हालांकि कोरोना के चलते ये अभी बंद है और यहाँ पर मिल रोड पर भी काफ़ी अच्छे वाणिज्य संस्थान आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान। और दोस्तों यहाँ से आगे चलकर हम अभी जाएंगे मवाना शुगर मिल की तरफ, तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी देखिए आपको एक छोटा सा व्यू हम दिखाएंगे मवाना शुगर मिल का, जहाँ मवाना शुगर मिल काफ़ी प्रतिष्ठित शुगर मिल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहाँ से चीनी भारत में ही नहीं हालांकि विदेशों में भी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों शुगर मिल से गांव की तरफ जाते हुए हमें एक रास्ते में नहर पड़ी है जिसकी सुंदरता देखकर हमें रुकने पर मजबूर होना पड़ा और हमें इसे कैमरे में कैद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आप भी देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा क्षेत्र और इसके बीच में गंगा के जल से, पवित्र जल से बहती हुई ये गंग नहर। दोस्तों यहाँ से आगे होते हुए मीवा, मटोरा, जैसीपुर, नगला आदि गांवों के लिए रास्ता ये जाता है। काफ़ी सुंदर देखने में यहाँ पे आपको ये नहर नज़र आती है और ये मवाना का प्रवेश द्वार है। यहाँ से मवाना में आगे प्रवेश करते हैं तो हमें जाना है गांव की तरफ। उससे पहले दोस्तों हम एक बार हस्तिनापुर रोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाते हैं, वहाँ पर भी ये नहर का एक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मवाना से हस्तिनापुर रोड की तरफ जाते हुए हम नहर के किनारे रुके हैं और यहाँ पर हम कुल्फ़ी फालूदा खाने के लिए रुके हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी फेमस कुल्फ़ी फालूदा है, तो देखते हैं यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। कुल्फी डाल रहे हैं ना ये क्या है? मीठा है, मीठा। बड़ी है अच्छा ये खत्म हो गया। होगी रेडी? चलो भाई देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।